गाइस, तो अभी आके विदाई वगैरह सारा कुछ हो गया। आने के बाद अभी हम हो गए हैं नहा धोवा के रेडी। नहाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन सोच रहे थे कि सोना है तो नहा के ही सोएंगे। एक तो जुकाम इतना खतरनाक हो गया है, कल सीढ़ी कटा के आया और उसी टाइम ठंडा पानी पी लिए, तो इसीलिए बहुत खतरनाक वाली जुकाम हो गई। पूरा सिर ऐसे ना पकड़ लिया है और गला अब धीरे धीरे पकड़ रही है पूरा। इसकी वजह से ना कान में दर्द हो रहा है दोनों। लेकिन अभी ये बोल रहे थे कि मेरे को चावल भुजिया कम से कम दे दो खाने के लिए, तो अब समझ में नहीं आ रहा। पहले अभी दाल वाली वो उठाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। गाइस, तो यहाँ पे बैठा दिए हैं दाल, इसका दाल भरा हुआ पूरी बनेगा, ककन छूटेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं चाय बैठा दिए हैं, तो बस बने रहिए आप। और गाइस, अभी सभी लोग सो रहा है, बाकी अभी हम आ गए किचन में और अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा चावल भुजिया। अगर मिस्टर राज बोल रहे हैं तो पहले उनको दे ही दे, क्योंकि गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि भूख लग गया है, पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चावल बैठा दिया और यहाँ पे हमने चने का दाल बिठाया, क्योंकि वो हो जाएगा ना तो फिर दाल भरा हुआ पूरी बनेगा आज का कन छुड़ाने के लिए। तो वो कैसे बनेगा आप लोग को दिखाएंगे। गाइस, तो यहाँ पे ना कट अंकित भाई ने बोले था कि आप ये काट दीजिए, क्या बोलते हैं, आलू का भुजिया। तो अंकित ने काट दिया था, अब इसमें डाल देते हैं। काट बना रहे हैं आलू का भुजिया और चावल बना दिए हैं। दोस्तों देख रहे हैं रूम कितना ज़्यादा भरा भरा दिख रहा है। हे गाइस, तो अभी चावल बन रहा है और अभी तक सब लोग लंच वगैरह करके फिर से रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग विदाई हुआ था ना, उसके बाद आने के बाद सब लोग सो रहे थे, तो फिर उसके बाद से उठ के अपना जो भी है नाश्ता वगैरह, फिर ककन छुड़ाने जो जाना होता है वो गए। और उसके बाद क्योंकि ना ककन जो शादी होता है ना लड़की का या लड़का का, तो जब तक ककन नहीं छूटता है तब तक ना मम्मी पापा जो होते हैं कन्यादान देते हैं और शादी कराते हैं करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, कुछ खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ककन वगैरह भी सब कुछ छूट गया। और आज दिन भी अच्छा हुआ है थोड़ा, लेकिन आज हम लोग फिर से कहीं जाने वाले हैं, वो आप लोग को बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन विदाई के बाद जैसे ही घर आए तो एकदम घर भरा भरा सा, क्योंकि सारा सामान इधर उधर अभी हुआ है। और आज देखते हैं कि आज हमको कहीं और जाना है तो वहाँ पे हम क्या पहनने वाले हैं। तभी मिस्टर राज भी सो रहे हैं, क्योंकि रात भर जगे हैं हम लोग। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा जाके रेस्ट करना, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम रात भर जगे हैं। थोड़ा सा हमारा क्या हो गया है कल का, हम जो हम लोग सीढ़ी कटाने गए थे तो एकदम बहुत ज़्यादा धूप था और इतनी गर्मी हो रही थी, प्लस हम लोगों ने इतना अच्छे से डांस वन सारा कुछ किया, लेकिन घर जैसे ही आए ना हम, तो जो भलभद्र पूजा का खाना बनाना था तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो ठीक है खाना बना लेंगे, लेकिन पहले पानी पी लेते हैं। तो हमने क्या किया, एकदम ठंडा पानी पी लिया थोड़ा सा, उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन कल मतलब जाने के पहले जब हम रेडी होना स्टार्ट करना, तब से मेरे को छींक आना स्टार्ट हो गया है और अभी तक नहीं ना जाने कितना छींक आया। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो गया है, आँख भी आप लोग देख रहे हैं, और गले में दर्द होता है। बहुत बार क्या होता है ना, जुकाम सर्दी होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। और अंशु चली गई, अंशु की विदाई हो गई, तो थोड़ा सा घर सूना सूना लग रहा, नहीं तो बोलती थी भाभी भाभी ऐसे करती थी, तो अच्छा लगता था, भाभी ये भाभी वो, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे। इसलिए अंशु अगर ये ब्लॉग देख रही होगी तो खूब सारा मिस यू, क्योंकि मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और हम लोग कितना ज़्यादा मस्ती किए, हम लोग बाहर भी गए शॉपिंग वॉपिंग करने साथ में, उसने अपना शादी का भी खुद से बहुत सारा कुछ शॉपिंग किया है, मम्मी ने भी बहुत सारा कुछ किया है, तो मतलब ऐसे कुछ कुछ लेना था तो हम जाते थे उसके साथ, तो हम भी अपना जो लेना होता था लेते थे। तो वो सारी चीज़ें ना अब थोड़ा सा आज लग रहा था, याद आ रहा था, लेकिन बस अब चावल वावल बन रहा है किचन में। अब देखते हैं कब तक लंच करेंगे, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि चावल और भुजिया ही थोड़ा सा खाएं, और फिर चावल दाल सब्जी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा और मन भी नहीं करता है। हमारा खुद ही मन नहीं किया है कि हम चावल दाल फिर से खाएं, लेकिन हम चावल दाल खाएं कब, हम खाएं ही नहीं, क्योंकि चावल थोड़ा ही सा था, इसलिए हम जो दाल भरा हुआ पूड़ी था वही खा लिए हैं।
एक पूड़ी खाएं और सब्जी खाएं, क्योंकि सिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भारी हो गया है मेरा। तो बस शादी पार्टी का सारा कुछ आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अभी मम्मी के पास भी गए तो मम्मी को से आशीर्वाद लिए, जितने भी लोग थे बुआ लोग उन लोग को भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिए। हाँ छोटू, लोग को दिखाते हैं आज किचन में। अभी आंटी जी पूरा किचन को साफ करके रखी हुई हैं, अभी चावल बैठा ही है, चावल भी बन गया। यहाँ पे रसियाव बना हुआ था किचन में, और यहाँ पे ये आलू पटेल का सब्जी बना था। एंड गाइस आप लोगों को सबसे मोस्ट चीज बता दो, मोस्ट ये दाल पूरी सब जो होता है ना, एक रसम होता है और इसको भी निभाना पड़ता है, क्योंकि आज के दिन दाल भरा हुआ पूरी सब्जी रसिया ये सारा कुछ बनता है। तो क्या होता है ना कि जब पूजा था तो मम्मी पूरा दिन फास्ट थी, और आज सुबह हमें मतलब ऐसे मीठा वीठा फल वल खा सकते हैं, लेकिन अब भी जाके अंत है सुबह में। थोड़ा सा हालत सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं सो जाते हैं। और मिस्टर आज का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको बहुत बार आना जाना पड़ रहा था। एंड थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये भी थक गए हैं, तो सुबह में सोए हुए थे लेकिन हम फिर उठा दिए इनको, बोले कुछ खा के सोइए, और उसके बाद से कुछ खाए ही नहीं है। तो अभी इतना टाइम हो गया, अब देखते हैं उनको कुछ अलग खाना है, सोच रहे हैं कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं। बाकी चावल है घर पे तो उससे काम चल जाएगा। अभी ये एरिया पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि बारिश हो रहा है ना, तो पूरा कपड़ा वगैरह सारा कुछ ऐसे ही है। तो ये सब कपड़ा भी सब फोल्ड वोल्ड करना है, लेकिन अब आज का जो काम है वो सारा कंप्लीट करने के बाद आज जो चीज़ें हैं उसको अटेंड करने का देख रहे हैं। दीवार का ये ऐसी हालत हो रखी है, और छोटू सोया हुआ था, क्योंकि छोटू भी रात भर शादी वाली देखा है, वीडियो डी शूट किया, अपने इंजॉय भी कर रहा था, मस्ती खूब किया। और अभी सोया था तो इसको बुला के बोले कि नहीं छोटू तुम भी ब्रश कर लो, खाना पीना खा के सो, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसको कॉल की, फिर इसको बोले तब जाके आया, तो खाना पीना अब खाएगा। ये मेरा लहंगा का झोला वाला है, और पापा आए हुए थे तो मेरे लिए वाला ले के आए थे। इसका ब्लाउज भी नहीं देखे हैं कि कैसा सिलाया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पापा लेके आए हुए थे मेरे, क्योंकि हम दिए थे ना सिलने के लिए, अपने मायके साइड ही दे देते हैं सिलने के लिए, तो इसीलिए वो लोग आसानी से ला देते हैं। तो हम अपना आते हैं तब तो वहीं पे फिक्स कर लिए सिलवाना। तो ये ग्रीन कलर का है साड़ी, और ये है इसका ब्लाउज, जो कि आप लोग देख रहे हैं किस इस तरीके का है। इसका लेंथ लग रहा है कुछ ज़्यादा ही है, और ये देखिए इस पर दूर दूर डिज़ाइन दिया हुआ है। इसका बैक बापरे कुछ ऐसा है, तो अभी पहनेंगे तो आप लोग को बताएंगे कैसा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है, आप लोग ब्लॉग में। हे गाइस, तो पापा भी मेरे आए हुए थे और भैया भी आए हुए हैं, आए हुए थे तो वो लोग भी लेके आए थे गिफ्ट, और उसके साथ जो मेरा साड़ी था ना वो भी लेके आ गए। तो वो वाला साड़ी अभी देख रहे हैं उसका ब्लाउज कैसा होता है, बाकी वो वाला थोड़ा सा पार्ट आप लोग को दिखा देंगे, क्योंकि हम पापा के साथ ज़्यादा शूट नहीं किए हैं वीडियो वगैरह। बाकी यहाँ पे पूजा भी आ गई है, अरे आपको ब्लिंक करनी है जल्दी जल्दी, ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया पाएगा तो बने रहिए आप। हे गाइस, तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड। तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को सारा शेयर करना। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, क्योंकि सुबह में वो जो दाल वाल था ना वो दिखाए हैं। तो बस मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग देखते हैं कैसा रहता है। सोचिए नॉर्मल ब्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि सुबह का था, उसके बाद से सारा अपना फ़ोन में का जितना भी वीडियो है सबको डिलीट मारना है, क्योंकि पूरा स्टोरेज फुल आ रहा था एंड शॉर्टो भर गया, तो इसीलिए सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो बने रहिए आप लोग, बाय बाय, लव यू।